नमस्कार मेरे किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अभी हल्की बूंदाबांदी आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पर अभी हो रही है बारिश, इससे पहले थोड़ी तेज बारिश हो रही थी लेकिन अभी थोड़ी रुकी है ये बारिश, साथ ही साथ तेज हवाएं भी चल रही थी। और मेरा किसान भाई यहाँ पर चिंतित हो रहा होगा, जिसने भी मूंगफली या उड़द जैसी फसलें, जायद की फसलें लगा रखी है, उसको चिंता हो रही होगी कि क्या इस बारिश से मेरी फसल का कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा, क्या ये बारिश मेरी फसल पे भारी तो नहीं पड़ जाएगी। तो मेरे किसान भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर जो है अभी आपकी फसल में फूल नहीं आए होंगे, चाहे आपकी मूंग की फसल हो, मूंगफली की फसल हो या फिर दूसरी कोई अन्य जायद की फसल हो, तो आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपने बहुत पहले बुआई कर दी और आपकी फसल में अभी फूल दिख रहे हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि बारिश की वजह से फूल खिलने की समस्या बार बार देखी जाती है। बारिश की वजह से फूलों का काफी नुकसान होता है, फूल टूट कर नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उत्पादन में भारी कमी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जिन भी भाइयों के मूंग की या मूंगफली की फसलों में फूल नहीं आए हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बारिश भारी हो तो ही आपका नुकसान ज्यादा हो सकता है, हल्की बारिश से इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जहां तक बात है हवा चलने की, तो ज्यादा तेज हवाएं चलेगी तभी कोई नुकसान हो सकता है, अन्यथा आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे आपने मूंगफली की फसल बो रखी हो, मूंग की फसल बो रखी हो या फिर उड़द की फसल बो रखी हो, कारण इसका यह है कि ये कम हाइट की फसलें होती है, इनको हवाएं चलने से इतना ज्यादा टेढ़ा पड़ने का या गिरने का, इतना ज़्यादा मतलब जमीन में सो जाने की ये समस्या नहीं होती है, इसलिए हवाओं से आपको उतना खतरा नहीं है। आपको एकमात्र ज़्यादा भारी बारिश होने की वजह से ही नुकसान देखने को मिल सकता है, इसलिए आप अभी निश्चिंत रहिए, इतना ज़्यादा भारी नुकसान नहीं हो सकता है आपकी फसलों का। क्योंकि शुरुआती समय में यदि आपकी फसलें हैं तो बारिश का इतना इफेक्ट कभी देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाए, और इसी प्रकार की वीडियो आपको हम देते रहेंगे, लाते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद मेरे किसान भाई।